हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल एलएफडी हिंदी ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9 की प्रबोधनी पुस्तक का पाठ 9, श्री कृष्ण का दूत कार्य। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं रामधारी सिंह दिनकर की जीवनी। वीर रस के ओजस्वी कवियों में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ। वे स्वतंत्रता पूर्व तक रामधारी सिंह दिनकर उपनाम से जाने जाते रहे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रकवि के नाम से जाने जाने लगे। रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु सन 1974 ईस्वी में हुई। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं इस प्रकार से हैं: हुंकार, उर्वशी, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरति, परशुराम की प्रतीक्षा, कोमला और कवित्व। ये सब उनकी कविताएं हैं। इसके बाद उनकी कुछ गद्य रचनाएं भी हैं जो इस प्रकार से हैं: राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, भारत की सांस्कृतिक एकता, संस्कृति के चार अध्याय, शुद्ध कविता की खोज। आइए अब हम पढ़ते हैं उनकी साहित्यिक विशेषताएं। रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं में ओज, विद्रोह और आक्रोश है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। उन्हें उर्वशी रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया तथा भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। आइए अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का पाठ परिचय। पाठ में संकलित अंश दिनकर जी के प्रबंध काव्य रश्मि रति से लिया गया है। पांडवों को वनवास काल में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा, परंतु वे साहस के साथ सारी बाधाओं से संघर्ष करते रहे। इस कविता में कवि ने यह बताया है कि बाधाओं और कष्टों में भी हिम्मत रखकर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आइए अब हम पढ़ते हैं पहले पद्यांश की व्याख्या। पहला पद्यांश इस प्रकार से है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि संसार में ऐसी कौन सी बाधा है जो व्यक्ति के मार्ग को रोक सके। खम ठोक ठेलता जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। जब व्यक्ति अपना सीना ठोक कर आगे बढ़ता है तो बड़े से बड़े पर्वत भी उखड़ जाते हैं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब बल लगाता है तो पत्थर भी पिघलकर पानी बन जाता है, यानी कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो वर्तिका बीज उजियाली हो। कवि कहता है कि व्यक्ति के अंदर एक से बढ़कर एक गुण छिपे हुए हैं। जैसे मेहंदी में लालिमा छिपी रहती है और दीपक की बाती में प्रकाश छिपा रहता है। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। व्यक्ति जब तक बत्ती को नहीं जलाता तब तक उसे रोशनी प्राप्त नहीं होती। पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड। जब गन्ने को पेरते हैं तो उससे रस की धारा प्राप्त होती है। मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का सिंगार। मेहंदी को जब पीसा जाता है तो वह सुंदरियों का श्रृंगार बनती है। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। इसी प्रकार से जब धागे में फूल पिरोए जाते हैं तो वह हमारे गले का हार बनता है। तात्पर्य यह है कि विपत्तियों का सामना करने से व्यक्ति का महत्व बढ़ता है। कंकड़ियां जिनकी सेज सुघर छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं लोरी आंधियां सुनाती हैं। कवि कहते हैं कि जिन्हें कंकड़ियों यानी कंकड़ों की शैया पर सोना पड़ता है, जिन्हें केवल आकाश ही छाया देता है, जिन्हें विपत्तियां दूध पिलाती हैं और आंधियां लोरी सुनाती हैं, अर्थात आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। जो लाख के घर में भी आग लग जाने पर भी योद्धा के समान सुरक्षित बाहर निकल आए वे ही सच्चे योद्धा कहलाते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर।
वर्षों तक जिन्होंने जंगल में घूमकर और बाधाओं का सामना किया, धूप, गर्मी, बरसात, ओले आदि अनेक कष्टों को सहकर पांडवों का व्यक्तित्व निखर आया। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मनुष्य का सौभाग्य सदैव नहीं सोता है, यानी हमेशा ही उसके बुरे दिन नहीं रहते हैं, उसके भाग्य के अच्छे दिन भी आते हैं। तात्पर्य यह है कि पांडवों के बुरे दिन बीत गए और अब देखते हैं कि उनके आगे के दिन कैसे बीतते हैं। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। कवि कहते हैं कि भगवान कृष्ण कौरवों को मित्रता का रास्ता बताने तथा सबको अच्छे मार्ग पर लाने और दुर्योधन को समझाने के लिए और युद्ध से होने वाले विनाश को बचाने के लिए हस्तिनापुर आए तथा पांडवों का संदेशा लाए। के बाद अगली पंक्तियां हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाते हुए कहते हैं कि दुर्योधन, न्याय तो यह कहता है कि पांडवों को आधा राज्य दे दो, परंतु यदि इसमें भी कोई रुकावट हो तो उन्हें केवल 5 गांव दे दो और अपना पूरा राज अपने पास रखो। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन को समझाते हुए आगे कहते हैं कि पांडव इसी में खुश रहेंगे और अपने प्रियजनों पर कभी भी तलवार नहीं उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। कभी कहते हैं कि दुर्योधन ने पांडवों का यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और समाज को विनाश से बचाने का श्री कृष्ण का आशीर्वाद वह ना ले सका। वह श्री कृष्ण को बांधने लगा और उसे जो असंभव कार्य था उसको संभव बनाने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब मनुष्य के विनाश का समय आता है, उसके विनाश के दिन आते हैं, तो सबसे पहले व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और ऐसा ही दुर्योधन के साथ हुआ। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। कवि कहते हैं कि जब दुर्योधन श्री कृष्ण को बंदी बना रहा था, तो उस समय भगवान कृष्ण ने भयंकर हुंकार करते हुए अपने स्वरूप का विस्तार किया, जिससे सभी दिशाएं गूंजने लगी और भगवान क्रोधित होकर बोले, दुर्योधन अपनी जंजीर बढ़ाकर मुझे बांध दे, आहा हा दुर्योधन आ और मुझे बांध दे। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल। आगे कृष्ण कहते हैं, मेरे इस बड़े स्वरूप में आकाश समाया हुआ है, इसी में हवा है, मुझमें ही सारा शोर समाया हुआ है और मुझमें ही सारा संसार समाया हुआ है। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। सबका जन्म मुझसे ही होता है और फिर लौट कर भी सभी मुझमें ही विलीन हो जाते हैं, मुझमें ही समा जाते हैं। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। इन पंक्तियों में कृष्ण कहते हैं कि हे दुर्योधन, मैंने तुझे तेरी भलाई के लिए समझाया था, परंतु तूने मेरी मित्रता का मूल्य नहीं पहचाना। मैं अब यहाँ से जाता हूँ और अपना अंतिम निर्णय सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। अब पांडव आधा राज्य या 5 गांव नहीं मांगेंगे, अब वे युद्ध करेंगे और वे इस युद्ध में या तो जीतेंगे या फिर मरेंगे। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फड़ शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। जब यह युद्ध होगा तो नक्षत्रों का समूह आपस में टकराएगा और धरती पर आग बरसेगी। शेष नाग अपना फण फैलाकर डोलेगा और यमराज अपना भयानक मुख खोलकर सभी को खा लेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाते हुए कहते हैं, हे दुर्योधन, ऐसा युद्ध होगा जो पहले कभी नहीं हुआ था
और आगे भविष्य में भी कभी नहीं होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, बायस रंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं कि अब भाई भाई के बीच युद्ध होगा। इस युद्ध में भाई भाई पर आक्रमण करेगा और विष से भरे हुए बाणों की वर्षा होगी। इस युद्ध में जो भी योद्धा मारे जाएंगे उनकी हड्डियों एवं मांस को खाने से कौवे और सियार मौज में रहेंगे, लेकिन मनुष्य का सौभाग्य फूट जाएगा। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का प्रदायी होगा। इस युद्ध में हे दुर्योधन, तू अंत में मारा जाएगा, अंत में तेरी मृत्यु हो जाएगी और सारी हिंसा का जिम्मेदार भी तू ही होगा। थी सवा सन, सब लोग डरे चुप थे या बेहोश पड़े, केवल दो नर नागाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कृष्ण की बात सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। सभी लोग डरे हुए थे, कुछ लोग चुप थे और कुछ लोग भगवान कृष्ण के विराट रूप को देखकर बेहोश हो गए थे। केवल दो नर नागाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। केवल दो ही मनुष्य ऐसे थे जो भगवान के विराट रूप को देखकर तृप्ति प्राप्त नहीं कर रहे थे, एक तो धृतराष्ट्र और दूसरा विदुर। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। वे दोनों प्रसन्न मन से हाथ जोड़कर निडरता से खड़े थे और भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार बोल रहे थे। अब आते हैं इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दार्थ, जो आप मेरे वीडियो में से देखकर पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं इस पाठ से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, भगवान कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर कहाँ गए थे? इसका सही उत्तर है ख नंबर का, हस्तिनापुर। दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, संकलित काव्यांश कवि के किस प्रबंध काव्य से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ग नंबर का, रश्मि रति। अब आते हैं हम अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर, जिसमें तीसरे नंबर का प्रश्न है, केवल दो नर नाघाते थे, पंक्ति के आधार पर उन दोनों महापुरुषों के नाम लिखिए। तो दो महापुरुषों के नाम है धृतराष्ट्र और विदुर। इसके बाद चौथे नंबर का प्रश्न है, हस्तिनापुर जाकर कृष्ण ने दुर्योधन को पांडवों का क्या संदेश दिया? तो हस्तिनापुर जाकर कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि न्यायपूर्वक आधा राज्य दे दो और यदि ऐसा नहीं चाहते हो तो केवल पांडवों को 5 गांव दे दो। पांचवें नंबर का प्रश्न है, भगवान कृष्ण ने कुपित होकर दुर्योधन से क्या कहा? इसका उत्तर है, भगवान कृष्ण ने कुपित होकर दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, तू जंजीर बढ़ाकर मुझे बांध दे, अब तू पांडवों के साथ युद्ध में जरूर मारा जाएगा। आज का मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।